हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं आज के टूर्नामेंट के 17वें मैच की। और आज के दिन का दूसरा मैच होने वाला है, ये मैच होगा जलमी और इंडिस्का के बीच में। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जलमी बहुत बढ़िया टीम है, अभी जो अपना पहला मैच खेल रही है और वहाँ पर भी जो है 3 विकेट चटका चुकी है स्टॉकहोम सीसी के। अपडेटेड प्लेइंग 11 यहाँ पर मैं आपके लेकर आया हूँ। इंडिस्का भी बहुत बढ़िया टीम है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ एक जो पिछला मैच ये हार कर आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजिंग मैच था, 1 रन से वो मैच ये हारे हैं। यहाँ पर जो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 3:30 बजे मैच आपको लाइव देखने को मिलेगा। क्विक रिव्यू रहने वाली है ये वीडियो कि आप कौन से प्लेयर्स पिक कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ प्रीव्यू में पहले ही कि पाकिस्तान के खिलाफ जो पिछला मैच था वो 1 रन से हार कर आ रहे हैं और यहाँ पर आखिरी बॉल पर ही मैच हारे थे ये। अब अगर एलबी जलमी की मैं बात करूं तो स्टॉकहोम के खिलाफ जो पहला मैच चल रहा है अभी, उसमें अभी तक पकड़ बनाकर रखी हुई है टीम ने, 3 विकेट चटका ली हैं यहाँ पर। और जो कप्तान हमने चूज़ करा था वो कप्तान अभी वहाँ पर जो है बहुत बढ़िया तरीके से 1 विकेट उसने भी चटका ली है। अब अगर वेदर रिपोर्ट की हम बात करें तो थोड़ा सा क्लाउडी होने वाला है, पर रेन के चांसेस आज पूरे के पूरे दिन कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारे पास टेम्परेचर रहेगा और ग्राउंड भी बहुत साफ हो चुका है कल के हिसाब से, तो बहुत बढ़िया आज ग्राउंड है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कल जो थे पैचेस बहुत ज़्यादा थे, प्लेयर्स को दिक्कत भी हो रही थी, पर आज ऐसी कोई दिक्कत अभी मुझे देखने को नहीं मिली है। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान ने जो है यहाँ पर पिछले मैच में 100 रन क्रॉस कर दिए थे। अब अगर यहाँ पर मैं वेडनेसडे की बात करूँ तो उसके बाद जो है 70 से 90 के बीच में ही सारे के सारे स्कोर रहे थे। तो बैटिंग फर्स्ट जो है अभी तक सारी की सारी टीम प्रेफर कर रही है और ज़्यादातर टीम जिनने बैटिंग पहले करी है वो ही जीत रही है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर जोन से भी टीम यहाँ पर टॉस जीते है वो बैटिंग ही करेगी। एवरेज फर्स्टिंग स्कोर की अगर मैं बात करूँ 85 रन है। रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग आप देख सकते हैं, 2 बार जीती है टीम, 3 बार हारी है। इंडिस्का ने चारों के चारों मैचेज अपने खेले हैं, उसमें यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 2 जीते हैं और 2 हारे हैं। यहाँ पर जो ये मैच था ये बहुत क्लोजिंग मैच ये हारे थे और यहाँ पर तो ये मैच मैंने पूरा लाइव देखा था, 1 रन से हारे हैं। आखिरी गेंद पर धनंजय डे ने अपनी पूरी जान लगा दी थी इस मैच को जिताने में, पर यहाँ पर आखिरी गेंद पर ही रन आउट हो गए। वो आखिरी गेंद पर हुआ ये था कि बॉल भी टच नहीं हुई थी और वहाँ पर विकेट कीपर के हाथ में बॉल चली गई और उन्हें रन आउट कर दिया। अब अगर धनंजय डे की मैं बात करूँ तो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए, यहाँ पर कप्तान वाइस कप्तान के बहुत बढ़िया ऑप्शन है। फिर उसके बाद हमारे पर सरजीत घोष हैं, बीच के 2 मैच नहीं खेले थे पर पिछले मैच में वापस आए हैं। अब सुशांत मुरली की अगर मैं बात करूँ तो कंटिन्यूसली अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद सचिन हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे पिछले मैच में 5 ओवर का जो मैच हुआ था वहाँ पर ना बैटिंग आई थी ना बॉलिंग आई थी, पर यहाँ पर जो है सचिन 1 विकेट पिछले मैच में चटकाई है। निर्मल अय्यर पिछले मैच में ही आए थे अंदर। फिर उसके बाद गुरविंदर सिंह बहुत बढ़िया इन्होंने पिछले मैच में बॉलिंग करी है, 3 विकेट इन्होंने चटकाई हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ उससे पिछले मैच में भी 1 विकेट चटकाई थी। रन के मामले में ज़्यादा बढ़िया नहीं कर पा रहे, ओपन भी करवा के देख लिया इनसे तीसरे नंबर पर भी बुला लिया इस प्लेयर को, पर वहाँ पर भी ज़्यादा बढ़िया नहीं करा इन्होंने। राजेश कुमार जो है पिछले मैच में 0 रन, नीलेश शर्मा को खिलाया गया था पिछले मैच। फिर उसके बाद सचिन शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, आप जो है इस प्लेयर को ड्रॉप मत करिएगा। मैंने किसी भी मैच में नहीं करा था, इस मैच की मैंने आपको वीडियो नहीं दी थी, पर यहाँ पर मैंने हर बार आपको यही बोला कि सचिन शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सिर्फ और सिर्फ 1 ओवर करवाया ना, स्टार्टिंग के 2 बॉल्स में 2 विकेट चटकाई, हैट्रिक का चांस था पर हैट्रिक नहीं ले पाए। पहला प्लेयर इस टूर्नामेंट में जिसे हैट्रिक का चांस मिला था। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ऑफ स्पिनर है, बहुत बढ़िया इनकी। पहले ही गेंद पर यहाँ पर LPW प्लेयर को करवाया था, दूसरी गेंद पर यहाँ पर कैच करवाया था प्लेयर, और तीसरी गेंद पर यहाँ पर बिल्कुल लाइन एंड लेंथ नहीं थी गेंद की, नहीं तो तीसरी गेंद पर भी आउट कर ही जाते। यहाँ पर आप देखिएगा आज की टीम, आज के मैच में सचिन शर्मा जो है यहाँ पर पूरे के पूरे 2 ओवर करेंगे। संजय कुमार शरीन जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बॉलर है अपनी टीम के लिए, पर उस हिसाब से जो है ना यहाँ पर बॉलिंग नहीं करी है, 1-1 विकेट ही चटकाई है पर उस हिसाब से बॉलिंग नहीं करी है। कयूर पटेल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ऊपर भी भेजा गया था 1 मैच में इन्हें, पर वहाँ पर भी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं करी है, इसीलिए मैंने इसे सबसे नीचे रखा हुआ है प्लेयर को।
बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर आप देखना चाहते हो आप देख सकते हैं, गुरविंदर सिंह यहाँ पर टोटल दो दो ओवर कर रहे हैं, धनंजय डे कंटिन्यूसली एक एक ओवर कर रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर संजय शरीन अगर आप देखेंगे तो एक एक ओवर ये भी कर रहे हैं, सचिन शर्मा जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आज के मैच में दो ओवर करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊँ राहुल यादव जो है पहले मैच में नौ ओवर करा था उसके बाद यहाँ पर जो नहीं कर पाए थे, कयूर पटेल ने भी यहाँ पर ओवर करें, कयूर पटेल जो इस मैच में ओवर करे हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पाँच ओवर का ही मैचेस थे तो यहाँ पर इसीलिए इन्हें ओवर दिया गया था, यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देंगे। सचिन हेरेमंथ यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ओवर अपने कंप्लीट कर रहे हैं, नीलेश शर्मा को भी दो ओवर दिए गए थे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये प्लेयर ड्रॉप होने वाला है आज के मैच में। तो ये पूरी की पूरी प्लेइंग 11 बिल्कुल सेम ही रहने वाली है वैसे तो। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ जलमी की तो जलमी की टीम मैं आपको बता दूँ तो जलमी की टीम की ये परफॉर्मेंस रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मैच में 123 रन बनाए थे, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो मैच ये जीत गए थे, दूसरा मैच ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा था, वो मैच ये हार कर आ रहे हैं, केसीसी के खिलाफ ही इनका मैच था। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ मोहम्मद उस्मान जो है 13 और 25 रन, फिर उसके बाद आई 7 और 12 रन, अजाम खलील जो है 36 और 25 रन, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अजाम खलील ने अभी विकेट भी चटकाई है जो अभी इनका मैच हो रहा है, फिर उसके बाद हमारे पास फरहान चौधरी हैं 31 और 11 रन, फिर उसके बाद क्या उमीर हैं 11 और 1 रन, जाई हमारे पास हैं 4 रन इन्होंने बनाए थे, उस्मान ने एक विकेट चटकाई थी, उसके बाद जो 2 विकेट जसीन ने चटकाई थी, उसके बाद ताला मसूद जो हैं 1 विकेट इन्होंने चटकाई थी और एस खलील ने 1 विकेट चटकाई थी। अब अगर यहाँ पर आप पूरी की पूरी बॉलिंग डिपार्टमेंट देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको अपडेटेड प्लेइंग 11 जो इनकी आई है वो मैं बता देता हूँ, ए खान कप्तान जो है इनके, फिर उसके बाद आर खान है, फिर उसके बाद क्या उमीर है, फिर उसके बाद जाई को रखा हुआ है ना, फिर एम इख्तियार को रखा हुआ है, आई मसूद रखे हुए हैं, आई जाई रखे हुए हैं, एस खलील, ए खलील, एस अली और ए खलील, यहाँ पर इस ए खलील और दोनों ए खलील ने यहाँ पर विकेट चटकाई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये जो अब्दुल्ला खलील हैं यहाँ पर इन्हें भी वापस लेकर आ गई है टीम, और अजम खलील तो कंटिन्यूसली विकेट चटकाई रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों प्लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आर खान जो है एक नया नाम हमारे पास अंदर आया है, आर खान को इससे पिछले मैच में प्लेइंग 11 में लाया गया था पर वो मैच इनका रद्द हो गया था, तो वहाँ पर जो ये बैटिंग मतलब किसी भी प्लेयर के कुछ नहीं आई थी पर उसमें ये प्लेयर अवेलेबल था, तो वो बिल्कुल सेम प्लेइंग 11 इन्होंने उतारी है। तो यहाँ पर जो है अभी हम टीम की बात कर लेते हैं, टीम की बात करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन भाइयों ने वीडियो लाइक नहीं करी है वो लाइक कर दें क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर। सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन का ही बटन होगा वो भी आप दबा लें जिससे कि मेरी वीडियो आपको जैसे ही मैं डालूँ वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ टीम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जो हमारे पास ऑप्शंस हैं विकेट कीपिंग में आप देख सकते हैं ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं, सेलेक्टेड बाय से आप देख सकते हैं, एस अली हैं, आई जाई हैं, दोनों को आप रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, आई जाई भी क्योंकि अपनी टीम के लिए ओपन करेंगे ही करेंगे, तो ये दोनों प्लेयर हैं। भार्गव कुमार को नहीं खिला रही है इंडिस का, यहाँ पर अगर भार्गव कुमार को खिलाती है तो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्लेयर भार्गव कुमार हमारे पास होने वाले हैं। धनंजय डे, जी सिंह, एम उस्मान और क्यू मीर, ये चार ही प्लेयर बैटिंग में आपको दिखाई देंगे, एक ए गौश हैं जो वापस आए थे पिछले मैच में तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आ सकते हैं प्लेइंग 11 में, ग्रैंड लीग का ही ऑप्शन है, स्मॉल लीग में आप इन्हें यूज़ मत करिएगा। फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ए खलील और एस हेरेमंथ यहाँ पर हैं, आई खान को अभी नहीं खिलाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं इस वक्त तो ये बंदा जो है ऑफिस जा रहा हो अपने। फिर उसके बाद एफ तारीख हमारे पास है, आर खान है, आर खान आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट्स इनके जुड़ने लग पड़े हैं। फिर उसके बाद एन शर्मा हमारे पास हैं, फिर उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ तो यही दो तीन ऑप्शन हमारे पास ऑलराउंडिंग ऑप्शन में है। एच शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, एक ही ओवर इन्होंने करवाया था और वहाँ पर इन्होंने दिखा दिया था कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। एच शर्मा जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पहला एक प्लेयर जिसको हैट्रिक का चांस मिला था, पहली दो बॉलों में इन्होंने दो विकेट चटका दिए थे। एफ चौधरी हैं, एम जसीन है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एस कुमार है पर एम जसीन को नहीं खिलाया जा रहा है, ड्रॉप कर दिया गया है। एस खलील जो है हमारे पास अवेलेबल है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये खलील दिखाई देंगे 53 जो पॉइंट है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अभी अभी एक विकेट इन्हें चटकाई है उसी के पॉइंट यहाँ पर जुड़े हैं ये। और एस अली अगर प्लेइंग 11 में आते हैं तो आप इस प्लेयर को भी अपनी टीम में रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी अवेलेबिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ।
तो अभी हम तो यहाँ पर टीम की बात कर लेते हैं। पहली टीम में ए खलील एज अ कप्तान, धनंजय डे एज अ वाइस कप्तान, सेफ कप्तान वाइस कप्तान यही दोनों रहने वाले हैं। आप चेंज भी कर सकते हैं, कप्तान धनंजय डे और ए खलील एज अ वाइस कप्तान। एस मुरली रखे हैं, एम उस्मान है, क्यौमीर है, जी सिंह है, एस हेरमंथ है, एन शर्मा है, फिर उसके बाद एफ चौधरी है, एस सरीन और एस शर्मा है। ये जो टीम हैड टू हेड के लिए बहुत बढ़िया हमारे लिए रहने वाली है, स्मॉल लीग में बहुत बढ़िया हमें परफॉर्म करती हुई दिखेगी। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ए खलील एज अ कप्तान, धनंजय डी एज अ वाइस कप्तान, एस मुरली, एम उस्मान, फिर उसके बाद क्यों मीर, जी सिंह, एस हेरमंत, फिर उसके बाद एफ चौधरी, एस खलील, फिर उसके बाद एस कुमार और एस शर्मा। ये भी टीम आपके लिए हेड टू हेड के लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। कप्तान वाइस कप्तान आप इंटरचेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ पर तीसरी टीम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ग्रैंड लीग की टीम है ये। यहाँ पर वाइस कप्तान जो है जी सिंह रखे हैं, धनंजय डे एज अ वाइस एज अ कप्तान रखे हुए हैं, फिर उसके बाद एस मुरली हैं, ए गौश हैं, आर खान है, खलील हैं, एस शर्मांत हैं, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो एफ चौधरी हैं, एस खलील हैं, एस कुमार है और एस शर्मा है। तो ये जो टीम है ये मैं आपको बता दूँ, ये ग्रैंड लीग की टीम है, दो स्मॉल लीग की टीम, एक ग्रैंड लीग की टीम मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।